दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube boy with you. PSL 2021 का नवा मुकाबला कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के बीच में खेला जाने वाला है। यानी कि एक तरफ होंगे इस PSL में पहले शतक लगाने वाले शार्जिल खान, वहीं दूसरी तरफ होंगे इस PSL में सर्वाधिक रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान। ऐसे में काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये, तो अब बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात, साथ ही साथ हम आपको इस मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी पिक भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाय गाइस, मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि मुझे क्रिकेट देखना और उसका एनालिसिस करना कितना ज्यादा पसंद है। और हाल ही में मैं माय 11 सर्कल नाम का एक बेहतरीन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप पाया। इस ऐप की खास बात यह है कि इस पर हम सच में राशिद खान जैसे चैंपियंस के साथ फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं और उनके साथ हेड टू हेड खेलने का मौका भी पा सकते हैं। आपको बता दें कि माय 11 सर्कल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना वास्तव में बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको दोनों विरोधी टीमों में से अपने 11 खिलाड़ियों को चुनना है और अपनी टीम बना लेना है। इतने लंबे समय के बाद भारत में ही इंग्लैंड के साथ क्रिकेट खेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ PSL 2021 का भी आगाज हो चुका है। ऐसे में आपको माय 11 सर्कल पर वर्ल्ड के सबसे डिमांडिंग लेग स्पिनर राशिद खान के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यदि आप राशिद की टीम को हराते हैं तो आप 3 गुना ज्यादा कैश जीत सकते हैं। जस्ट इमेजिन कितना मजा आएगा जब आप राशिद खान जैसे लीजेंड्स को हराओगे। माय 11 सर्कल के बारे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि जीता हुआ कैश सीधे आपके खाते में जमा हो जाता है और यकीन मानिए यह सच में बहुत सेफ और सिक्योर ऐप है। आपको बता दें कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाल ही में माय 11 सर्कल पर करोड़पति बन चुके हैं। तो फिर आप किसका वेट कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करें और माय 11 सर्कल पर अपनी टीम बनाएं। इसके अलावा अपने पहले डिपॉजिट पर 1500 रुपए का बोनस प्राप्त करें। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। थैंक यू। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल पर जेंस क्या है पिच का हाल। तो कराची के इस विकेट पर लगातार 8 मुकाबले चेस हो चुके हैं। बड़े से बड़ा लक्ष्य भी इस विकेट पर आसानी से चेस हो जा रहा है। इस PSL में इस ग्राउंड पर 100% विनिंग रिकॉर्ड चेसिंग टीम का रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो भी टीम इस मैच में टॉस जीतेगी वही ये मुकाबला भी जीत सकती है। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल पर जेंस दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं कराची किंग्स की। तो कराची की टीम अब तक PSL में 2 मुकाबले खेल चुकी है जिसमें से इन्हें 1 में जीत और 1 में हार मिली। अपने पिछले मुकाबले में कराची किंग्स ने बोर्ड पर 196 रन खड़े किए थे, बावजूद इसके ये वो मुकाबला हार गए थे। उस मैच में शार्जिल खान ने विध्वंसक पारी खेलते हुए शानदार शतक जड़ा था, वहीं बाबर आजम ने 54 गेंदों पर 62 रन की कछुआ छाप पारी खेली थी। और उस मैच में गेंदबाज हार के कारण तो थे ही, साथ ही साथ बाबर आजम की कछुआ छाप पारी भी हार की उतनी ही जिम्मेदार थी जितनी की इनके गेंदबाज। वैसे जो भी हो, इनके बल्लेबाज इस वक्त बहुत ही प्रचंड फॉर्म में है और इस मुकाबले में भी एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इनके गेंदबाज वो स्कोर डिफेंड कर पाएंगे या फिर नहीं। इसलिए अगर ये मैच जीतना चाहते हैं तो इन्हें टॉस भी जीतना पड़ेगा। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की। तो मुल्तान सुल्तान की टीम को लगातार 2 मैच हारने के बाद फाइनली लाहौर कलंदर के खिलाफ पहली जीत मिल ही गई। पिछले 2 मुकाबलों से कभी इनके बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे तो इनके गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, तो कभी इनके गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे तो कभी इनके बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछले मुकाबले में इनके गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी वजह से इन्हें PSL की पहली जीत नसीब हुई। मुल्तान सुल्तान की तरफ से कप्तान मोहम्मद रिजवान बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 188 रन बना चुके हैं। जेम्स विंस भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में, बिग बैश में अच्छा प्रदर्शन करके आए थे और यहां भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इनका साथ निभा सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इस मैच में वो रन कर सकते हैं। बात की जाए अगर इनकी गेंदबाजी की तो कार्लोस ब्रेथवेट बहुत ही अच्छे फॉर्म में, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इस मुकाबले में भी वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल पर जेंस हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 5 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं जिनमें से सिर्फ 1 बार मुल्तान सुल्तान को जीत मिली है, वहीं 4 बार कराची किंग्स ने जीत हासिल की है। अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटेसी पिक की। तो फैंटेसी टीम सिलेक्ट करने के लिए ये हमने स्क्रीन को ऑन कर लिया। माय 11 सर्कल ऐप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन ऐप है। यहां पर आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी चूज कर सकते हो, जैसे कि आपका कोई प्लेयर खेल नहीं रहा है तो वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ऐप है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करोगे तो 1500 रुपए का बोनस भी आपको मिल सकता है। सबसे पहले विकेट कीपर सिलेक्ट करना है तो मोहम्मद रिजवान को हमने लिया है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इस PSL में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और इस मैच में भी वो रन कर सकते हैं। जॉय क्लर्क को भी हमने साथ में लिया है, वो भी अच्छे फॉर्म में है। उसके अलावा बैट्समैन की बात की जाए तो शार्जिल खान पिछले मैच के शतक भी, इनको हमने लिया है। जेम्स विंस बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और बिग बैश में भी अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, आज भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा बाबर आजम को लिया है, कछुआ छाप पारिया खेलते हैं लेकिन रन बना के आपको देते
हैं, तो इनको भी हमने लिया है। क्रिस लीन को भी हमने अपनी टीम में सेलेक्ट किया है। वैसे कॉलिन इग्रम की भी खेलने की जो है खबरें सामने आ रही है, देखते हैं ये मुकाबला खेलते हैं नहीं। खेलते हैं तो उनको अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेना, क्रिस लीन को ड्रॉप करके। तीन ऑलराउंडर्स के साथ हम जा रहे हैं, कार्लोस ब्रेथवेट के साथ जा रहे हैं जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी की उम्मीद इनसे मत कीजिएगा। मोहम्मद नबी के साथ जा रहे हैं और डेनियल क्रिश्चियन के साथ जा रहे हैं। डेनियल क्रिश्चियन को थोड़ा ऊपर भी प्रमोट किया गया था पिछले मुकाबले में, हालांकि उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इस मुकाबले में रन कर सकते हैं। अरशद इकबाल को लिया है, मोहम्मद आमिर को हमने लिया है, तो ये अपनी टीम जो है बन चुकी है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी हमने सेलेक्ट किए हैं, आप भी कर लेना, मतलब कि कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लेना कि अगर आपके कोई प्लेयर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह वो खुद रिप्लेस हो जाएंगे। कैप्टन हमने बनाया है मोहम्मद रिजवान को, वाइस कैप्टन बाबर आजम को बनाया है। तो ये अपनी टीम की प्रीव्यू स्क्रीन पर शो हो रही है। ये ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम चाहते हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब बात करते हैं माई इलेवन सर्कल प्रेजेंस कौन साबित होगा दमदार, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप क्रिकेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार कराची किंग्स ये मुकाबला जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि कराची किंग्स ये मैच जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत सकता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।